मैं सोच रही थी 10 सालों से आप प्रधानमंत्री रहे हैं, आप कटरा आके कह रहे हैं कि मैंने आपके रेलवे स्टेशन में सुधार कर दिया, जो मोदी जी पूरे देश भर में स्थापित कर चुके हैं कि कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ मिलेगा, वही आज जम्मू और कश्मीर में हो रहा है। और मुझे उस मोदी जी के भाषण में लगा कि वो गंभीरता ही नहीं दिखी। वो कहने लगे कि 10 सालों से यहां का जो रेलवे स्टेशन है, हमने इस रेलवे स्टेशन को में सुधार हम लाए हैं, इसमें परिवर्तन लाए हैं। मैं सोच रही थी 10 सालों से आप प्रधानमंत्री रहे हैं, आप कटरा आके कह रहे हैं कि मैंने आपके रेलवे स्टेशन में सुधार कर दिया। विकास की एक धारा होती है, जैसे जीवन की होती है। एक समय में मेरी बहनें यहां बुजुर्ग बैठी हैं, वो रोटरी वाले टेलीफोन होते थे, आपको याद है, यूं घुमा के फोन करना पड़ता था, जम्मू से दिल्ली फोन करना पड़ता था तो बुकिंग करनी पड़ती थी, 2-3 हफ्तों बाद ट्रंक कॉल लगता था। आज सबके पास स्मार्टफोन है, परिवर्तन होता है, विकास होता है, रेलवे स्टेशन में सुधार होते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आकर इन छोटी छोटी बातों पर आपको कह रहे हैं कि देखो मैंने आपके लिए क्या किया, ठोस बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरे मन में ये बात आई कि जो ठोस बात है, जो जम्मू और कश्मीर की जनता के हृदय की बात है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी बात क्यों नहीं हो रही है, सच्चाई पर क्यों नहीं उतर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, कि जब उन्होंने आपसे राज्य का दर्जा छीना तो क्या क्या छिन गया आपसे। वो रेलवे स्टेशन की बात करने से नहीं मिलेगा आपको वापस, वो ये कहने से कि मैंने जम्मू में आईफिल टावर जैसा एक ब्रिज बनाया है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा, वो आपका हक था और उस हक के जरिए आपको बहुत कुछ मिलता था, अपने जमीन पर हक, रोजगार पर हक, छोटे कारोबारों को मजबूत बनाने का हक, जो सारा आज आपसे छिन गया है। एक एलजी है जो पूरा अपने हिसाब से अपनी मनमानी से राज कर रहे हैं, एक लूट का राज स्थापित किया है, रिमोट वाला राज स्थापित किया है, आपको अपने हक नहीं मिल रहे हैं इस राज में, आपकी जमीनें लैंड बैंक बन रही हैं, किसके लिए, आपके लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, जो मोदी जी पूरे देश भर में स्थापित कर चुके हैं कि कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ मिलेगा, वही आज जम्मू और कश्मीर में हो रहा है। यहां रिलायंस के रिटेल स्टोर खुल रहे हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जो आपकी दुकानें हैं, आपके छोटे बिजनेस हैं, उनको मारा जा रहा है। पहले नोटबंदी, फिर GST, और आज बड़ी बड़े रिटेल वाले जो उद्योगपति हैं, आपके बिजनेस को छीन रहे हैं।